फ्रेंड मेरी यूट्यूब की बगिया में आप लोग को स्वागत है। देखिए मेरे पास ये पहले से फिस लिली का पौधा है। इसमें देखिए ये अलग से ये रूट निकल आया है। उसको हम किस तरह से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करते हैं, पहले मैंने एक खाली बॉल लिया है, ये देखिए ये उसमें होल्ड के पास मैं उस एक पत्थर रख दूंगी। उसके बाद मैं उसमें मिट्टी डालूंगी। ये मेरा ऑर्गेनिक मिट्टी है, घर पर बनाया हुआ खाद और पत्तियां को गलाकर सब्जी ये सब होता है ना, उसका भी मैं उसको चढ़ाकर खाद बना लेती हूँ। अब देखिए इसको मैं इस तरह से इसको और ए वाला रूट को मैं इस तरह से अलग करूंगी। पहले इस मिट्टी को सबको अलग करके देखिए इस तरह से यहां से इसको मैं देखिए कितने आसानी से अलग हो गया। देखिए फ्रेंड ये कितना आसानी से देखिए ये रूट से ये निकल गया है। देखिए अब इसको मैं दूसरे गमला में ट्रांसफर कर दूंगी। देखिए ये मैं इसमें आपको अब हम आपको लगाकर दिखा रही हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड इसको मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। इसको गमले में मिट्टी को इस तरह से गड्ढा कर देना। उसके बाद ये प्लांट लेकर इसमें इस तरह से रूट को भी मिट्टी से जाते हुए इसको इस मिट्टी को डीप कर देना। इस तरह से इसको जो रूट है उसको ढक कर हल्का हल्का उंगली के सहारे इसको दबा देना है। देखिए उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से मैं मिट्टी डालूंगी। देखिए ये बहुत अच्छा से जड़ पकड़ लेता है मिट्टी में और बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। आप इस तरह से लगाकर देखिए फ्रेंड आपका फिस लिली बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बहुत जल्दी ग्रो कर देता है। ये मेरा वाइट वाला है और उस रेड वाला मैंने लाया था वो सूख गया है। मेरा तबीयत खराब हो गया था तो मुझे 15-20 दिन तक ला हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा, तो यहाँ पर बच्चे लोग मेरे केयर में लग गए और मेरे पौधा बहुत सारा खराब हो गया है। एक सिर्फ वाइट वाला बच गया है फ्रेंड। उसको मैं इस तरह से दूसरे पॉट में इससे यहाँ से निकाल कर देखिए और इसको मैं अब उस पॉट में लगा दूंगी। बाय फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड, और कुछ गलत लगता है तो आप मेरे कमेंट में बतला सकती हैं। बाय।